दोस्तों, ये है भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर जी का घर, जो कि मुंबई में स्थित है। मुंबई में कहाँ पर स्थित है आप लोग को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। देख सकते हो गाइस, काफ़ी लग्जरी बिल्डिंग है। वेलकम टू विथ अनदर ब्लॉग एंड न्यू ब्लॉग। तो गाइस, सभी सुबह के बज रहे हैं 6:20 हो रहा है, और ये देख सकते हो आसपास का माहौल जो है काफ़ी मतलब शांत माहौल है अभी, क्योंकि सुबह के 6:20 तो गाइस सभी देख सकते हो आसपास का नज़ारा। एंड आज मैं दिखाने वाला हूँ आप लोग को स्वर लता मंगेशकर जी का घर, जो कि अभी इस दुनिया में तो नहीं है, बट उनका जो घर है गाइस काफ़ी अमेजिंग एंड बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है गाइस। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड इतना बता देता हूँ आप लोग को, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी सर के घर के पास उनका घर है गाइस, जो कि आप समझ सकते हो वो सबसे पॉश एरिया में अल्टमाउंट माना जाता है। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो एंड सीधा मिलते हैं उनके घर के पास। अभी अजान भी हो। सो दोस्तों, अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ महालक्ष्मी स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर, और आप लोग को लोधा बिल्डिंग, आप लोग को पूरी ऊपर वाली जो बिल्डिंग आप लोग को दिख रही है वो लोधा बिल्डिंग, और आप लोग को मुकेश अंबानी की अंटेलिया भी बिल्डिंग आप लोग को यहाँ से दिख जाएगी गाइस। और यहाँ पे एक देख सकते हो, यहाँ पे वो बिल्डिंग है जो कि काफ़ी लग्जरी बिल्डिंग में रहती थी लता मंगेशकर जी। आप लोग को मैं आगे की तरफ लेके चलता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ गाइस। मैं पानी जी पहुंच गया हूँ लता मंगेशकर मैम के घर के पास। ये देखो तो जो मेरे पीछे बिल्डिंग है, ये है लता मंगेशकर जी का घर, जो कि आप लोग को मैं एक्सप्लोर कराता हूँ, लेकर के चलता हूँ आगे, और आप लोग को पूरा एक्सप्लोर कराता हूँ कैसा वो दिखता है गाइस। चलते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मैं इस वक्त उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से लता मंगेशकर जी का रोजाना आना जाना यहीं से रहता था गाइस। ये देख सकते हो गाइस, आज के समय में वो बिल्डिंग सुनसान पड़ी हुई है जिसमें रहती थी लता मंगेशकर, और इस बिल्डिंग के फर्स्ट वाला जो फ्लोर दिख रहा है इसी में रहती थी, और इस बिल्डिंग का नाम है प्रभु कुंज। आप लोग को यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे आप लोग को मुकेश अंबानी, जो कि एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनका घर मिल जाएगा, अंटेलिया हाउस, और आप लोग को लोधा बिल्डिंग मिल जाएगा, काफ़ी लग्जरी यहाँ पे बिल्डिंग मिल जाएगी। आप लोग को सामने जो बिल्डिंग दिखी है वो है लोधा बिल्डिंग, वो चला जाता है, और ये जो आप लोग को ये जो रोड दिख रहा है ना, ये चला जाता है आप लोग को महालक्ष्मी स्टेशन। आप लोग को शॉर्टकट में बता दूँ तो हाजी अली के साइड चला जाता है वो, और इस बिल्डिंग के सबसे फर्स्ट फ्लोर पे लता मंगेशकर जी रहती थी, जो कि अभी हमारे बीच नहीं है, हमको छोड़कर चली गई। और उनके फ्लैट की कीमत था गाइस 50 करोड़, जो कि काफ़ी लग्जरी बिल्डिंग में रहती थी वो। और ये देख सकते हो गाइस, काफ़ी आसपास का जो माहौल है बहुत ही मतलब, यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, और देख सकते हो। और ये रोड जो चला जाता है, ये चला जाता है अल्टमाउंट आगे के साइड, ये भी अल्टमाउंट में पड़ता है, बट ये क्या है थोड़ा यहाँ पे नीचे के साइड में पड़ जाता है वो, क्या मुकेश अंबानी का घर आगे की साइड में पड़ जाता है। और देख सकते हो गाइस, काफ़ी लग्जरी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में अभी उनकी जो कि देख रेख वाले होते हैं वहीं अभी रहते हैं। सो गाइस, लता मंगेशकर जी हमारे बीच तो नहीं है, हम एक प्रे कर सकते हैं उनके लिए बस, कि जहाँ भी लता मंगेशकर जी हों उनको भगवान अपने शरण में ले। और गाइस, लता मंगेशकर जी अपने आवाज़ के लिए जानी जाती थी, क्योंकि उनकी आवाज़ थी सरस्वती, उनको माँ सरस्वती जी उनको उनके अंदर जो थी समाई हुई थी। उनकी जो गाने का तरीका था वो बहुत ही अंदाज अलग था, और वो जो भी गाती थी उनका सुरीली आवाज़, मीठा आवाज़ भी आता था गाइस, चाहे जो भी वो गुनगुनाती थी। और देख सकते हो, प्रिय गायिका जो कि भारत की सबसे मशहूर गायिका, और उनको पद्मश्री भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जो कि उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं गाइस, और कितना बार उनको श्री पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो दोस्तों, अगर आना चाहते हो तो यहाँ तक आ सकते हो, आप उनका घर देख सकते हो। अगर देख सकते हो, ये अल्टमाउंट रोड पे स्थित है, और ये मुकेश अंबानी के घर से 400 मीटर की दूरी पे स्थित है। वीडियो का यहीं पे करते, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर बाय, टेक केयर, ढंग से रहिए, बाय, ब्लॉग, जय हिंद।